वेलकम बैक एवरी वन वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये थ्री नाइनटी नाइन एस सीरीज यू पी पी एस सी आर ओ ए आर ओ के लिए चल रही है प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर आर ओ हिंदी में साठ प्रश्न आते हैं और टॉपिक है इसमें एक टॉपिक से दस प्रश्न आते हैं वन थर्ड की निगेटिव मार्किंग है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन में से किसकी वर्तनी शुद्ध है किसकी वर्तनी शुद्ध है इसमें इच्छा इमारत उंगली इसलिए है देखिए यहाँ पर इच्छा जो है वो अशुद्ध है इमारत अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध उंगली यहाँ पर जो है शुद्ध लिखा है इच्छा इमारत और इसलिए में जो ई होगा वो छोटा वाला होगा ठीक है ना कि बड़ा वाला तो उंगली यहाँ पर शुद्ध है यह है अशुद्ध शब्द यह है शुद्ध शब्द इच्छा इस तरह से शुद्ध है इमारत इसलिए है। और उंगली तो था ही शुद्ध से सीरीज आप कर सकते हैं नंबर पर कॉल क्वेश्चन नंबर टू पर आज शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए ताबूत तिथि ढूंढना देखिए तत्कालिक नहीं होता तात्कालिक होता है ढूंढना भी गलत है ताबूत मात्रा बड़ी वाली लगेगी तिथि 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 यहाँ पर शुद्ध है डी सके तो ये है शुद्ध शब्द यह अशुद्ध शब्द यह शुद्ध शब्द तात्कालिक होता है ना कि तत्कालिक ताबूत होता है और तिथि करेक्ट है और ढूंढना वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है तृप्ति अतिथि ग्रहणी त्योहार तृप्ति अतिथि ग्रहणी त्योहार तृप्ति शुद्ध है अतिथि शुद्ध है ग्रहणी शुद्ध है त्योहार अशुद्ध है ठीक है त्यौहार त्यौहार सिंगल मात्रा तो तृप्ति जो है वो शुद्ध है अतिथि शुद्ध है त्यौहार अशुद्ध था ये था जबकि शुद्ध ये है गृहिणी शुद्ध है क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाइए नंबर के में से कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें प्रभु का ध्यान रखना चाहिए रीना ने मुझसे पृथ्वी खरीदी मैं भगवान की आदर करता हूँ वह निर्दय है देखिए हमें प्रभु का ध्यान रखना चाहिए हमें प्रभु का ये अशुद्ध है यहाँ पर रीना ने मुझसे पृथ्वी नहीं रीना ने मुझसे भूमि खरीदी मैं भगवान की आदर मैं भगवान की श्रद्धा करता हूँ वह निर्दय है डी यहाँ पर करेक्ट है और हमें प्रभु का ध्यान रखना चाहिए यह भी गलत है हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए ठीक है ध्यान करना चाहिए भूमि आएगा और श्रद्धा तो हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए ठीक है रीना ने मुझ से भूमि खरीदी न कि पृथ्वी मैं भगवान की आदर करता हूँ अशुद्ध है मैं भगवान की श्रद्धा करता हूँ और वह निर्दय है ठीक है नंबर फाइव पर आ जाइए अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए अभी तो सिर्फ ढाई बजे हैं वह मार्केट से फल लेने गया था राम यहाँ अवश्य आएगा उनका प्राण पखेरु उड़ गया अशुद्ध वाक्य देखिए वह मार्केट से वह मार्केट से फल लेने गया था वह मार्केट में फल लेने गया था राम यहाँ अवश्य आएगा नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वह मार्केट से फल लेने गया था ठीक है राम यहाँ अवश्य आएगा ये भी ठीक है यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात नहीं हो रही है ठीक है राम यहाँ पर एक कैरेक्टर है एक व्यक्ति विशेष का नाम है तो ये ठीक है यहाँ पर आएगा ठीक है यहाँ पर उनका प्राण पखेरु उड़ गया उनका प्राण पखेरु उड़ गया ये अशुद्ध है और यही आंसर है उनका नहीं उनके प्राण पखेरु उड़ गए अभी तो सिर्फ ढाई बजे हैं ये भी करेक्ट है तो अभी तो सिर्फ ढाई बजे हैं ये शुद्ध है अशुद्ध कुछ ऐसे हो जाता वह मार्केट से फल लेने गया था ठीक है अगर मार्केट में होता तो गलत हो जाता ऊपर क्या था मार्केट से फल लेने गया था शुद्ध है उनका प्राण पखेरु उड़ गया ये अशुद्ध है सही है उनके प्राण पखेरु उड़ गए ठीक है नंबर सिक्स पर आ जाइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्येष्ट निरोग ऊंचाई अनुकूल निरोग शुद्ध है ऊंचाई शुद्ध है अनुकूल शुद्ध है ज्येष्ठ नहीं होता ज्येष्ठ होता है तो जेष्ठ अशुद्ध है जेष्ठ शुद्ध है क्वेश्चन नंबर सेवन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अध्ययन ईर्ष्या नक्षत्र क्षमा अध्ययन अध्ययन शुद्ध लिखा है ईर्ष्या ईर्ष्या में ई छोटी तो नहीं बनेगी ईर्ष्या यही ठीक है ईर्ष्या नक्षत्र ठीक है क्षमा गलत है ठीक है क्षमा ऐसे लिखते हैं तो ये वाला शमा हो जाएगा इनकरेक्ट और ये हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट निम्न वर्तनी निम्न में वर्तनी की दृष्टि से विध वाक्य होगा वाक्य की जगह शब्द सही रहेगा वाक्य तो है ही नहीं शब्द तो यथेष नवाब गृहस्थ उत्कृष्ट यथेष्ट होता, होता है यथेष्ट होता है बताइए शुद्ध वाक्य एक से अधिक तो शुद्ध नहीं है इसमें देखिए यथेष्ट होता है नवाब गलत है उत्कृष्ट नहीं उत्कृष्ट होता है गृहस्थ यहाँ पर ठीक है सी है इसका आंसर तो नवाब की शुद्ध वर्तनी यह है उत्कृष्ट ठ नहीं होता उत्कृष्ट होता है और यथेष्ट शुद्ध है ना कि यथेष्ट, बाकी गृहस्थ यहाँ पर शुद्ध है क्वेश्चन नंबर नाइन में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अद्वितीय 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 बहुत बार लिखा होगा आपने अद्वितीय अद्वितीय कौन सा अद्वितीय आना चाहिए उसमें अद्वितीय 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 की शुद्ध वर्तनी होगी ऐसे क्वेश्चन नंबर दस पर आ जाइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है नारी राज्य महल पुष्टि उज्जवल नारी इस तरह से लिखेंगे मात्रा बड़ी वाली आएगी राज्य महल नहीं होता है राजमहल होता है ठीक है राजमहल होता पुष्टि सही, सही होगा उज्जवल यहां पर शुद्ध लिखा है रुकिए मात्रा गलत थी खाली ठीक है पुष्टि ही है लेकिन मात्रा गलत है तो यह अशुद्ध और यह शुद्ध नारी ठीक है मात्रा बड़ी वाली राजमहल नहीं होता राजमहल होता है और पुष्टि मात्रा की गलती है मात्रा छोटी वाली आएगी क्वेश्चन नंबर इलेवन पर आ जाइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चिन्ह चिन्ह तो शुद्ध यहां पर नहीं लिखा है ठीक है चिन्ह ऐसे होगा चिन्ह रसायन कल्याण होता है कल्याण नहीं होता है रसायन 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 शुद्ध है और पुण्य भी गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो पुण्य की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो ऐसे होगी मात्रा छोटे वाले की आएगी कल्याण नहीं होता कल्याण होता और चिन्ह लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर बारह पर आ जाइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कलश कलश तो जो है अशुद्ध है चांद 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 रामायण 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 कवयत्री कवियत्री डी सही है तो कलश इस तरह से लिखा जाएगा चांद ये ज्यादा बेस्ट है ठीक है रामायण होता है कवियत्री बहुत पोषक एग्जाम में उज्जवल की तरह क्वेश्चन नंबर थर्टीन पर आ जाइए किस शब्द वर की वर्तनी शुद्ध है प्रशंसा प्रष्ट पत्नी प्राप्ति देखिए प्राप्ति में मात्रा छोटी वाली आएगी पत्नी में मात्रा बड़ी वाली आएगी प्रस्ट नहीं होता प्रष्ट होता है प्रशंसा सही है यहां पर तो प्रष्ट नहीं होता प्रष्ट होता है प्राप्ति में मात्रा छोटी पत्नी में मात्रा बड़ी नारी में बड़ी नंबर फोर्टीन पर आ जाइए की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है परिस्थिति परीक्षा प्रसाद पिशाच परिस्थिति 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 कर, करेक्ट है यहां पर प्रसाद प्रसाद प्रासाद या प्रसाद प्रसाद ठीक है पिशाच 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 परीक्षा 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 मात्रा बड़ी वाली इंपॉर्टेंट है परीक्षा तो परीक्षा की शुद्ध वर्तनी होगी ऐसे नंबर फिफ्टीन पर आ जाइए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है बांसुरी चार बांसुरी है यहां पर बांसुरी 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 ए करेक्ट हो जाएगा तो कौन सी बांसुरी सही है ये वाली क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर आ जाइए से कौन सा वाक्य शुद्ध है मोहन आज कॉलेज से अनुपस्थित है मोहन आज कॉलेज से अनुपस्थित है परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए और उसे हमेशा सही बोलना चाहिए था दिवाली का त्यौहार खुशियों से भरा होता है बताइए देखिए यहाँ पर एक चीज छूट गई कौन सा वाक्य अशुद्ध है ढूंढना यहाँ शुद्ध लिखा गया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो दिवाली का त्योहार दिवाली का त्यौहार खुशियों से भरा होता है ठीक है उसे हमेशा सही बोलना चाहिए था परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए आज मोहन आज कॉलेज से नहीं मोहन आज कॉलेज में अनुपस्थित है ठीक है तो यहाँ पर जो अशुद्ध होगा अशुद्ध है ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में ये शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है ये अशुद्ध है और यही अपना आंसर है तो मोहन आज कॉलेज से अनुपस्थित है ये अशुद्ध है मोहन आज कॉलेज में अनुपस्थित है ये शुद्ध है और ऊपर अशुद्ध बताना है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पर आ जाइए आज छूट गया ऊपर अनुराग शब्द का विलोम होता है विराग आकर्षण राग राग्णी अनुराग का विलोम होता है विराग और विराग का विलोम होता है अनुराग ये है इसका आंसर तो देखिए अनुराग का विलोम शब्द विराग होता है तो विराग जो है सही विकल्प होगा विलोम शब्द क्या होते हैं जो शब्द हमें उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है जैसे कि समस्या का विलोम समाधान निर्मल का विलोम मलिन अन्य विकल्प एक आकर्षण था तो आकर्षण का विलोम क्या होगा विकर्षण विराग अनुराग अनुराग का विराग राग पूछ लेता तो द्वेष और द्वेष का पूछ ले तो राग क्वेश्चन नंबर एटीन शब्द विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है प्रभु का दास स्थावर का जंगम सुधा का गरल ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं देखिए प्रभु का विलोम दास ठीक है स्थावर का विलोम जंगम जंगम का स्थावर बहुत पूछा गया है एग्जाम में जिनमें हिंदी आती है सुधा का गरल गरल का सुधा ये सारे के सारे सुमे लेते हैं डी है तो प्रभु का विलोम दास स्थावर का जंगम सुधा का गरल गरल का सुधा जंगम का स्थावर दास का प्रभु क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अरवाचीन शब्द का विलोम क्या है नवीन प्राचीन आदिकालीन पाषाण कालीन देखिए अरवाचीन या अर्वाचीन या नवीन एक ही बात है यानी नवीन और अर्वाचीन जो है आपस में क्या हो गए प्रयावाची हो गए सिनोनियम हो गए अब नवीन का विलोम क्या होता है नवीन का विलोम होता है प्राचीन तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो गया प्राचीन बी है इसका आंसर देखिए अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन है अर्वाचीन शब्द का अर्थ होता है आधुनिक और प्राचीन शब्द का अर्थ होता है पुराना ठीक है अर्वाचीन या आधुनिक या नवीन आपस में पर्यायवाची हैं है? प्राचीन और पुराना आपस में पर्यायवाची है और विलोम है नवीन के। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी शब्द विलोम की दृष्टि से से कौन सा एक सही सुबित नहीं है यह शब्द और यह विलोम अल्प अधिक उन्नति अनेक एक उध्व तुंग देखिए अल्प का विलोम होता है अधिक ठीक है अवनति यानी उन्नति विलोम हो गया अनेक एक विलोम हो गया उधर्व का तुंग पर्यायवाची हो गया इसका विलोम नहीं हुआ ठीक है तो डी यहां पर आंसर होगा तो उधर्व का विलोम की शब्द क्या होगा निम्न होगा बाकी उधर्व के पर्यायवाची अगर पूछ ले तो उधर्व का पता पर्यायवाची तुंग है ऊंचा है उत्ताल है उन्नत है ऊपर है शीर्षस्थ है बुलंद है उच्च है गगन स्पर्शी अच्छा बढ़िया उच्च कोटि का है सारे के सारे उदर्भ के प्रायवाची हैं इसका विलोम होगा निम्न और तुंग तो इसका प्रायवाची है और पूछा क्या है विलोम की दृष्टि से अशुद्ध तो डी अशुद्ध तो ट्वेंटी प्रश्न थे हिंदी के अच्छे इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से ये नंबर इस पर कॉलेज व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आर और पीसीएस की धन्यवाद हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा